न्यूज टुडे इंडिया में एक बार आपका फिर स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर के ग्वालपोखर में और ग्वालपोखर के जैनगांव ग्राम पंचायत में जो न्यू फॉर्मेशन प्रधान जो है उसका जो प्रक्रिया कुछ देर चल रही थी और वो समाप्त हो गया। इस वक्त नए प्रधान के तौर पर मोहम्मद नाजिस जो अपने टोटल 10 मेंबरों में से इस ग्राम पंचायत के 8 मेंबरों के समर्थन लेकर प्रधान बन गए। वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं इस वक्त प्रधान बनकर और लोग उनके अभिभावक उनके चाहने वाले वेलकम के यहाँ खड़े हैं। आप देख सकते हैं अपने मेंबरों के साथ प्रधान मोहम्मद नाजिस यहाँ पे तैयार हैं। हम उनसे सीधे तौर पर बात करने की कोशिश करेंगे। नाजिस भाई बताइए, बहुत ही अच्छा लगा प्रधान बन गए हम सब लोग। आशीर्वाद का आपको सपोर्ट मिला इस वक्त? मेरा 8 मेंबर का सपोर्ट मिला हमको, टोटल 10 मेंबर है, 10 में से 8 हमको सपोर्ट मिला। 8 मेंबर का सपोर्ट मिल गया है, इसमें अलग अलग पार्टी के जितने भी थे? हाँ, अलग अलग पार्टी के थे, लेकिन वो लोग जीतने के बाद ही TMC डिक्लेयर दे दिए थे। तो अब क्या लग रहा है इस ग्राम पंचायत का, जो पिछले कई महीनों से जो डेवलपमेंट का काम रुका हुआ था वो तेजी से बढ़ेगा? बहुत तेजी से बढ़ेगा, 100 स्पीड में चलेगा। इसके लिए किसको बधाई देंगे, पार्टी के नेतृत्व? हाँ, सबसे हम लोग का ब्लॉक प्रेसिडेंट है मुनीदा मंत्री साहब, सबको हम बधाई देंगे, वो लोग का बहुत शुक्रिया गुजार करेंगे, वो लोग हमको कैंडिडेट चुना है। चलिए, सीधे तौर पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अभी कुछ ही देर पहले जो नए जो प्रधान बने हैं मोहम्मद नाजिस, और उनसे हमारी सीधे तौर पर न्यूज देने की बात करते हैं। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका वेलकम किया जा रहा है, बिल्कुल एक उनके जो चाहने वाले हैं उनको वेलकम कर रहे हैं, उनका हार पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं लोग उनका बिल्कुल वेलकम कर रहे हैं। वो तस्वीरें आप सीधे तौर पर तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका वेलकम किया जा रहा है और उनके समर्थक काफी संख्या में एक तरह से रैली निकाली है, रैली जुलूस निकाला गया उनका वेलकम। आप सीधे तौर पर आप देख सकते हैं न्यूज टुडे इंडिया की स्क्रीन पे इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थन है वो यहाँ मौजूद हैं, उनके पक्ष में नारे लगा रहे हैं, हार पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। आप देख रहे हैं उनके वेलकम में और ये फटाका से उसके जश्न मनाया जा रहा है, जीत का जश्न आप देख सकते हैं इस वक्त। किस तरीके से ये बिल्कुल फटाके फोड़कर उनका खुशी मनाया जा रहा है, अलग अलग ग्राम पंचायत के प्रधान उनके वेलकम के लिए यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं वो तस्वीरें, ग्वालपोखर के ग्राम पंचायत के प्रधान मोहम्मद फरियाद वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ उनके समर्थन तृणमूल कांग्रेस के कई दिग्गज इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ ही देर में। हम सीधे तौर पर जो ग्वालपोखर ग्राम पंचायत के जो प्रधान है मोहम्मद फरियाद आलम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस का प्रधान था, अभी फिर दोबारा तृणमूल कांग्रेस के प्रधान बनाया गया, इसकी क्या वजह है? इसका वजह यही है, जो हम लोगों के पार्टी से वो निकल चुका था। अच्छा। उसका भाई इलेक्शन में आया था, वो पार्टी ने देखा, उसका भाई को सपोर्ट किया, इसी वजह से पूरा आवाम चाहता है जो हम लोग का पार्टी का प्रधान रहे।
अच्छा, तो अभी कहीं ना कहीं वो अभी पार्टी से भी निकाल दिए गए उनको एक तरह से? वो तो अपने आप से निकल गया था, निकाल पार्टी के तरफ से नहीं गया था पहले। अच्छा, वो था हम लोगों के साथ, जब इलेक्शन मोमेंट आया, इलेक्शन के बाद वो चला गया भाई के पास, तो उस टाइम हम लोग का पार्टी से उसको बर्खास्त किया गया था। चलिए, तो अभी जो नया प्रधान है, इनसे क्या उम्मीद है आप लोगों को? पूरा उम्मीद है, यंग प्रधान है, और इससे पहले जो प्रधान था यही चला रहा था, ज्यादातर उप प्रधान था, ज्यादा ऑफिस करना, कुछ भी काम करना, पब्लिक के लिए ज्यादा सहायता यही कर रहा था, यानी कि ऐसे जेल तक ज्यादा देखभाल पंचायत का ही कर रहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान साहब, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे ग्वाल पोखर ग्राम पंचायत के प्रधान मोहम्मद फरियाद आलम। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से जो है जो प्रधान का गठन हुआ है, और यंग प्रधान एक तरह जो पहले उप प्रधान थे वो इस वक्त एक तरह से कहें कि हमारे साथ मौजूद थे, बातचीत कर रहे थे। हम इस ग्राम पंचायत के जो कुछ मेंबर हैं उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जेंगा ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर मास्टर मोहम्मद इरशाद आलम, रिप्रेजेंटेटिव है, हालांकि ये तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर ऑन कॉन्टेक्ट से चुनाव जीते थे। हम उनसे बात करेंगे। मास्टर साहब, हमें ये बताइए कि आप लोगों का इस बार फिर दोबारा प्रधान गठन हुआ है, पहले जो प्रधान थे उनके पोस्ट से हटा गया, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि हम लोग का टीएमसी से वो जीता हुआ था, बाद में वो कांग्रेस डिक्लेयर कर लिया, करने के बाद पार्टी उसको पसंद नहीं किया, इसलिए आज हम लोग पार्टी के साथ हैं, पार्टी उसको आज से बर्खास्त किया और नया प्रधान बनाया नाजिश हसन को, हम लोग उसके सपोर्ट में है, पार्टी के सपोर्ट में है। आपको क्या उम्मीद लग रहा है अभी जो नया प्रधान गठन हुआ, नया प्रधान बनाया आप लोगों ने, इनसे क्या उम्मीद है आप तमाम मेंबरों को? बहुत अच्छा उम्मीद है, यंग लड़का है और पब्लिक के लिए सेवा करेगा, उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह अच्छा चलेगा, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा कॉपरेशन रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर मोहम्मद इरशाद आलम जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, वो जेनगा ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य रिप्रेजेंटेटिव हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यंग प्रधान को बनाया गया है, उनसे हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं, हमें ये उम्मीद है कि इस ग्राम पंचायत को और आगे ले जाया जाएगा। जय, आप दर्शकों को हम बता दें इस ग्राम पंचायत की कुछ कहानी इस तरह से, अगर इसके बैक पे जाए, इसके पीछे जाए, तो दरअसल जेनगांव ग्राम पंचायत 10 वार्ड सदस्यों का ये ग्राम पंचायत है, जिसमें 8 वार्ड मेंबर के साथ आज दोबारा यहाँ के प्रधान गठन हुआ है। हालांकि इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के ही प्रधान बने हुए थे, अभी दोबारा भी तृणमूल कांग्रेस का प्रधान बनाया गया। इसमें कुछ मामला ये है कि जो प्रधान पहले थे मसूद मोहम्मद नईम अहसन जो थे, उनके भाई इस मर्तबा ग्वालपोखर विधानसभा से कांग्रेस के तो उस वक्त जो है भी तृणमूल कांग्रेस के प्रधान थे, और उन जो प्रधान थे उनके जो भाई थे वो जो है जेनगांव ग्राम पंचायत के प्रधान थे, और उनके भाई ग्वालपोखर विधानसभा से विधायक के टिकट पर कांग्रेस के उम्मीदवार बने थे, और उम्मीदवार बनने की वजह से जब राहुल गांधी यहां पे आए थे तो यहां के प्रधान जो है वो स्टेज शेयर करने की वजह से आज मामला ये हो गया है कि उनको उसके ओहदे से हटाकर दूसरे व्यक्ति को यहां का प्रधान बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पार्टी के खिलाफ वर्क करने की वजह से ही तृणमूल कांग्रेस के जो प्रधान थे उनको हटाकर नया प्रधान बनाया गया। अच्छा प्रधान साहब, हमें ये बताइए कि आप लोगों का पहले टीएमसी का प्रधान था, अभी भी टीएमसी है, तो इस हटाने की वजह क्या हो गया आखिर? वजह वो राहुल गांधी का मीटिंग में तो वो ज्वाइनिंग किया था कांग्रेस में। अच्छा, वो निर्वाचित तो हुआ था टीएमसी से, लेकिन उसके बाद जो एमएलए इलेक्शन आया हम लोग का असेंबली इलेक्शन वोट टाइम, वो कांग्रेस का पूरा फुलफिल कांग्रेस का किया वो। अच्छा, इसी वजह से उसको हटाया गया है।
तो आप सीधे तौर पर आप उनके साथ जो बातचीत कर रहे थे उनका भी यही कहना है कि उनको हटाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है आज के ये इसको बॉडी गठन में तृणमूल कांग्रेस के जो प्रधान थे उनको हटाकर जो तृणमूल कांग्रेस का प्रधान मोहम्मद नाजिस को बनाया गया है, सिर्फ प्रधान ही का गठन हुआ है लेकिन उप प्रधान का गठन अभी नहीं हुआ है, उसमें कुछ प्रक्रिया बाकी है। हम वो भी एक तस्वीर आपको दिखाएंगे लेकिन सबसे पहले वो रैली की तस्वीर देखिए कि किस तरीके से उनके समर्थन में सैकड़ों की तादाद में उनके समर्थक रैली में शामिल हुए। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो प्रधान है उनके समर्थन काफी संख्या में उनके साथ रैली में शामिल हो चुके हैं, वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हम और भी कई जो वार्ड मेंबर हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करें। इस वक्त जो है जेनगांव ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर मोहम्मद मुश्ताक जी हमारे साथ है। मुश्ताक जी बताइए, आपका जो प्रधान थे वो तृणमूल कांग्रेस के थे, अब फिर तृणमूल कांग्रेस का प्रधान, तो ये साफ पता चलता है कि इलेक्शन के टाइम में वो जो कांग्रेस के रैली में शामिल हुए उस मंच से लेकर राहुल गांधी का यही हो जाए। लेकिन हमें ये बताइए उप प्रधान का आज क्यों नहीं डिसाइड किया गया? आज हम लोग सब पार्टी से मंत्री साहब सब लोग मिलकर के नाजिस हसन को हम लोग प्रधान बनाए हैं, आठ मेंबर समर्थन होकर करके, और बाकी जो पहले वाला प्रधान था वो कांग्रेस में चला गया, इसके वजह से इसको हटा दिया गया। ठीक है, नहीं हमारा सवाल ये है कि ये उप प्रधान का जो पोस्ट है अभी भी खाली है, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया आज क्यों नहीं उसका ये हुआ? जैसे आज प्रधान हो गया हम लोग का उप प्रधान कब होगा कुछ ऐसा है? हाँ उप प्रधान है, उप प्रधान के टाइम में आप मंत्री साहब है हमारा पार्टी लोग है वो लोग उन लोग को लेकर हम लोग बैठेंगे, पार्टी जो डिसाइड करेगा वही हम लोग बस तैयार है। यानी वो पार्टी अभी डिसाइड नहीं की है, इसी वजह से आप लोग उप प्रधान का कोई डिसीजन नहीं ले पाए? अभी कोई डिसीजन ले नहीं पाए। चलिए, तो सीधे तौर पर ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वार्ड मेंबर हैं जेनगांव ग्राम पंचायत के मोहम्मद मुश्ताक आलम, उनका ये कहना है कि अभी तक जो है पार्टी ने वो डिसाइड नहीं किया है और जैसे ही डिसाइड करेगा तो हम लोग उप प्रधान का भी वो जो गठन कर लेंगे। तो सीधे तौर पर साफ तौर पर ये साफ हो गया, आज काफ़ी दिनों से जो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जेनगांव ग्राम पंचायत में जो अनस्ताव का प्रक्रिया है जो न्यू बॉडी फॉर्मेशन का प्रक्रिया है वो आज उस पर ब्रेक लग गया एक तरह से कहा जाए और नया जो प्रधान है मोहम्मद नाजिस उसको बनाया गया और उसी के समर्थन में इस वक्त आप वो रैली देख रहे हैं जहाँ पे उनके सैकड़ों समर्थन उनके साथ हैं। अब वो तस्वीरें एक बार हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे पीछे वो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके समर्थन में रैलियां निकाली गई हैं और आज जेनगांव ग्राम पंचायत का जो है बॉडी बिल्कुल एक तरह से कहें फुल बॉडी नहीं, उप प्रधान का पोस्ट बाकी है जो कुछ ही देर में पार्टी के डिसीजन आने के बाद हो जाएगा। तो इसी तरह की तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन न्यूज़ के लिए न्यूज़ इंडिया से जुड़े रहिए। उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर से सुब्रत विश्वास के साथ मैं फैजान अशरफ, न्यूज़ इंडिया।